कोरोना के कहर को अभी लोग भुला भी नहीं पाए हैं कि सोशल मीडिया पर डिजीज एक्स की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद डिजीज एक्स बड़ी महामारी बनकर सामने आ सकती है। ये कोरोना से भी भयंकर महामारी का रूप ले सकती है। बता दें कि पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों वायरस इसका कारण बन सकते हैं। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्ष रह चुकी हेल्थ एक्सपर्ट केट बिंघम ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि डिजीज एक्स स्पेनिश फ्लू जो कि सन 1919 व 1920 के बीच फैला था उसके जितना विनाशकारी हो सकता है। बता दें कि स्पेनिश फ्लू ने लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। ऐसे में एक बार फिर से डिजीज एक्स के रूप में 5 करोड़ लोगों की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आइए आपको बताते हैं डिजीज एक्स से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कुछ महीने पहले डिजीज एक्स को लेकर अलर्ट जारी किया था। WHO ने ही इसे डिजीज एक्स का नाम दिया है क्योंकि इस बीमारी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों वायरस इसका कारण बन सकते हैं। बता दें कि वास्तव में डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल उन बीमारियों या इन्फेक्शन के लिए किया जाता है जिनके बारे में मौजूदा हालातों में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। डिजीज एक्स वायरस बैक्टीरिया या फंगस किसी भी रूप में लोगों को प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। दरअसल WHO की ओर से एक ऐसी सूची तैयार की गई है जिनमें उन संक्रामक रोगों की पहचान की गई है जो भविष्य में महामारी का रूप ले सकते हैं। इसमें इबोला वायरस, मारबर्ग, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COVID-19, जीका के अलावा डिजीज एक्स का जिक्र है। WHO चीफ डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने मई में जिनेवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में डिजीज एक्स को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि डिजीज एक्स के रूप में एक और महामारी कभी भी आ सकती है, इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। इस महामारी का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर तैयार रहना होगा। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की पूर्व चेयरमैन केट बिंघम और पूर्व पत्रकार व राजनीतिक सलाहकार टिम हेम्स ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द नेक्स्ट किलर, हाउ टू स्टॉप द नेक्स्ट पैनडेमिक बिफोर इट स्टार्ट। इस किताब में एक्स डिजीज का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे वायरस पृथ्वी पर सबसे प्रचुर और विविध जीवन रूप है और उनमें से कितने मनुष्यों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने वायरस के 25 परिवारों की पहचान की है जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों या हजारों अलग अलग वायरस हैं। इसमें से कोई भी महामारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में आ सकते हैं और तेजी से म्यूटेट हो सकते हैं। केट बिंघम ने इंटरव्यू में कहा है कि अगर दुनिया को डिजीज एक्स के खतरे से निपटना है तो बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयार होना होगा और तय समय में खुराक देनी होगी। लेकिन चिंता की बात ये है कि डिजीज एक्स के बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं है। ऐसे में जब ये महामारी आएगी तो पहले से इसका कोई टीका या उपचार भी मौजूद नहीं होगा। ठीक ऐसा ही कोरोना के मामले में हुआ था और इलाज ना मिलने के कारण दुनिया भर में तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। WHO पहले ही एक्स डिजीज को लेकर पूरी दुनिया में भारी संख्या में मौत के खतरे के लिए आगाह कर चुका है और इस महामारी से एकजुट होकर मुकाबला करने की बात कह चुका है। तैयारी के तौर पर सभी लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यही एक तरीका होगा जो आपको संक्रामक रोगों और इसके कारण होने वाले जोखिमों से बचाने में मददगार हो सकेगा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।